अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम है आपका शो हसना मना में। मैं आपका अपना होस्ट ताबिश हाशमी। आज के शो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और शेयर और कमेंट्स। तो आज का हमारा जो है ना जी अरे कहना क्या चाहते हो? मेहमान वो कोई एक्टर या स्पोर्ट्समैन नहीं है जी। तो हमारा मेहमान है आज का हमारा सियासतदान जी। तो आज हमने सियासतदान को बुलाया है, तो चलिए आपको मिलाते हैं सियासतदान से। तो अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करिए हमारे आज के मेहमान मरियम नवाज का। मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। तो मरियम मैं शो में सबसे पहले ना जी आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो है कि सियासत ही क्यों जी? तो मतलब आपने सियासत ही क्यों चुनी? सबसे पहला सवाल आपसे, सियासत ही क्यों? मतलब मुझे पता है कि आपके वालद मतलब खानदानी लोग आप सियासत में हैं, वालद भी सियासत में हैं, तो आपके पापा सियासत में, आपके चचू चचा सियासत में, सब सियासत में हैं, मतलब फैमिली सियासत में है। लेकिन आप भी क्यों सियासत में? कुछ और भी तो कर सकते थे ना, माशाल्लाह फिल्मों में भी आ सकती थी, तो कुछ और भी कर सकती थी आप, सियासत ही क्यों? देखो ताबिश, मैं तुम्हें वाजिया करती चलूँ कि ये जो सियासत है ये मैंने यूं ही नहीं चुन ली, मैं इसमें यूं ही नहीं आए। आप बोल रहे थे कि फिल्मों में जा सकती थी, नहीं ताबिश, मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं सियासत में आऊं। अच्छा, लोगों ने समझा कि नवाज शरीफ का बेटा नहीं है कोई, तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म। नहीं लोगों, मैं अपने बाप का बेटा बनकर आई हूं बाहर, मैं अपने बाप को बेटे की तरह सपोर्ट करूँ, ये मेरा बचपन का ख्वाब था। देखिए पहले आपके पापा थे सियासत में, ठीक है, उन्होंने कुछ कम कारनामे किए हैं, मतलब आप भी सियासत में आ गए। चोर है ये, चोर 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 है ये देखें लोग क्या कह रहे हैं। ताबिश मैं तुमको क्लियर करती चलूं, ये तो तुम बोल रहे थे ना कि लोग बातें करते हैं, ठीक है, तो लोगों का तो काम है ताबिश बातें करना, और हमारा काम है इग्नोर करना। जिस तरह हम इलेक्शन से पहले अवाम से वादे करते हैं, अवाम को सबक बाग दिखाते हैं, इलेक्शन के बाद हम उसी तरह उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हमारा काम एज अ पॉलिटिशियन, हमारा काम है ताबिश कि हम लोगों की बातों को इग्नोर करें। अच्छा चल चलिए ठीक है, तो अभी जो है ना ये अवाम का सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं है, ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मेरा सवाल नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर करता चलूँ। तो अवाम पूछ रही है कि मरियम देखें आपके पापा ने 3 से 4 साल सियासत की, ठीक है, तो मतलब इतना लंबा नहीं, मतलब उससे पहले भी 3 दफ़ा आए हैं, मतलब 15-20 साल का आपके पापा का सियासत का है, मतलब तजर्बा है, सियासत हुकूमत है आप लोगों की, ठीक है ना, तो एक भी ऐसा हस्पताल नहीं बन सका जिसमें आप अपनी सर्जरी करवा सकें? आप भाई जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं सर्जरी करवाने के लिए, तो एक भी अस्पताल नहीं बना, ठीक है। और दूसरा ये मेरा भी सवाल है, ठीक है ठीक है, मतलब तीसरा आपकी खूबसूरती का राज, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, ये इतनी उम्र में भी नानी बन गई आप, इतनी खूबसूरत कैसे कैसे, मतलब कैसे ये बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ। देखो तामिश, मैं आपको बताऊं कि आपने अभी हॉस्पिटल की बात की है ना, अगर इधर हम हॉस्पिटल बना लेते, ठीक है, अभी नहीं बनाया हॉस्पिटल तो आवाम बोल रही है कि इतने साल हुकूमत करने का क्या फ़ायदा, एक हॉस्पिटल तक नहीं बना सके सर्जरी का। देखें मेरी बात सुने, अगर इस मुल्क की आवाम का पता क्या हाल है, अगर इधर हॉस्पिटल बनता ना, ठीक है, तो ये गरीब आवाम है कासिम, ये गरीब आवाम है, ये अपना ताबिश कासिम बोल दिया तुम्हें, इससे पहले कासिम को मैं दे के आई हूँ ना इंटरव्यू,
तो कभी देखो गरीब आवाम है ये अपना इलाज नहीं करवा सकते, मतलब इन्होंने कहाँ सर्जरी करवानी थी। ये लोग तो उठ जाए सुबह तो वैसे ही काम पे चले जाते हैं बगैर मुंह धोए खाना, ईद के नहाते हैं, जुमे के जुमे जाके ये मुंह धोते हैं। ठीक है आप अपना देखो अपना देखो, इन्होंने अपना सर्जरी किधर करवानी थी, हॉस्पिटल वैसे ही पड़ा रहना था, वहाँ पे बाहर से अमेरिका से कोई डॉक्टर हायर करके इधर लाने थे, तो उनका महीने का सैलरी का खर्चा, ठीक है ये सब कुछ आना था। फिर इन लोगों ने इलाज नहीं था करवाना, तो इन्होंने एक ही बात बोलनी थी, मैं तुम्हें अभी क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है ना, कि देखें जी उन्होंने तो अपने मरियम नवाज ने अपने इलाज के लिए, ठीक है अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल का पूरा हॉस्पिटल बना लिया, मतलब पूरा हॉस्पिटल एक इतना ज़्यादा खर्चा, ऊपर से बाहर से अमेरिका से डॉक्टर बुलवा के रखे, उनका सैलरी इतना सब कुछ, ये यही किसी तरक्याती काम में पैसा लगता तो मुल्क में खुशहाली आनी थी, मतलब ये सब बातें होनी थी, अभी नहीं बनाया तो अभी ये बातें कर रहे हैं। बात तो सही है को ये बना ही नहीं सके, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बोल रही हूँ कि अवाम का काम है बातें करना, कासिम तुम इन बातों को इग्नोर करो, ताबिश तुम इन बातों को इग्नोर करो, ठीक है। और दूसरा आपने बात की मेरी खूबसूरती की, ठीक है तो आपको भी पता है, इस अवाम को भी पता है मैं ऐसे खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बचपन से खूबसूरत नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही थी, ये सारा तुम्हें भी पता है सर्जरी का कमाल है, ठीक है ना। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अमेरिका गई, ठीक है तो एक तो ये कर दो बिना, तो मैं अमेरिका गई हूँ ताबिश, तो वहाँ मैं सर्जरी करवाने के लिए गई, वो जो सर्जिकल वाला डॉक्टर था ना सर्जरी वाला, उसने मेरे आगे ना 4-5 बॉलीवुड की एक्ट्रेस की फ़ोटो रख दी, उसने बोला कि बोलो मैडम आप इनमें से किस तरह की दिखना चाहती हैं, तो उनमें से एक बॉलीवुड एक्टर थी, मासूम बच्ची थी बिल्कुल ना, मुझे बहुत पसंद आई, उसका नाम था जैकोलिन, जिसके बारे में अभी मशहूर है, मुझे उसकी कापी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी ना मैं मिलती हूँ उसके, तो मुझे वो बड़ी पसंद आई ताबिश, मैं तुम्हें बता दूँ, तो मैंने बोला डॉक्टर को कि क्या मैं ऐसी दिख सकती हूँ, तो डॉक्टर ने बोला 100% तो ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी लुकिंग मतलब बल्कि लुक आप दे सकती हैं, ऐसी ऐसी थोड़ा थोड़ा मिल सकती हैं, तो मैंने बोला कि मुझे कर दें वैसी कर दें मेरी ना सर्जरी, तो बस वो तबिश मैं बता दूं कि खूबसूरती नहीं है ऐसी कोई भी, मतलब अभी मैं आवाम के साथ आप स्क्रीन पर भी शेयर कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी तो मेरी फ़ोटो दिखा दें, सर्जरी से पहले मैं ऐसी थी ताबिश, तो ठीक है ना अपने लोगों ने देखी मैं ऐसी थी, आप सवाल पूछ रहे तो अब ये सारा सर्जरी का कमाल है, इतनी खूबसूरत मैं नहीं हूँ, ठीक है ना ताबिश। चलें ठीक है चले, एक गेम है आपके साथ जो अभी हम खेलेंगे, गेम खेलेंगे आपके साथ, वो वाली गेम नहीं है जो आप लोग आवाम के साथ खेल रहे हैं, इन गरीब आवाम के साथ जो आप खेल रहे हैं ना, वो वाली गेम नहीं है, ये हमारे शो छोटी सी गेम है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको डेरे का पता है, डेरे का डेरा फार्म हाउस को बोलते हैं, फार्म हाउस को, हाँ फार्म हाउस होते हैं जहाँ भैंसें रखी होती हैं, गाँव वगैरह में चले जाए ना आप तो उधर लोगों ने भैंसें रखी होती हैं, तो जो होती हैं ना उधर की औरतें, ठीक है तो वो भैंसों का जो गोबर होता है ना गोबर, उसे गोया कहते हैं, वो पाथती हैं ऐसे 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 करके, मतलब जिस तरह रोटी ऐसे पाथ के, जिस तरह रोटी नहीं पाटती वैसे वो पाथ के ऐसे उसको थाप के सूखने रख देती हैं, ठीक है तो सूखने रखती हैं, और बाद में वो जब सूख जाती हैं उन्हें उठा के घर ले जाती हैं, और उनका जो है वो उनसे हंडी आप कहते हैं आके, वो किसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं यार, क्या बोलते हैं उसे, तुम लोग बताओ, चुल, हाँ वो मतलब चूल के नीचे रख के, ठीक है तो चूल में वो रख के तो उसमें आग जलाती हैं, तो उनसे रोटियां पकाती हैं, ठीक है वो उसे पाथी बोलते हैं गोए की, ठीक है आपने फार्म हाउस, ठीक है आपने फार्म हाउस पे गई हैं, ठीक है आपने गोए लेने हैं उधर से, ठीक है ना गोया गोबर लेके आना, ठीक है वो पाथियाँ लेके आनी है, ठीक है
तो आपने दाबड़ा पकड़ा हुआ है, दाबड़ा एक जो होता है ना वो गोल सा, तो उसमें आपने पाथियाँ लाद दी हैं ऊपर तक, ठीक है ठीक है। तो अभी आपको वो दाबड़ा उठाना है, लेकिन आपसे उठाया नहीं जाना, ठीक है। आप दूर देखती हैं, दूर दूर दूर, ठीक है, आप दूर देखती हैं कि आपको चार 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 लोग खड़े हैं, ठीक है। वो चार लोग कौन से हैं मैं आपको अभी नाम बताता हूँ। पहले नंबर पे राणा सांवला, ठीक है। दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है जी, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ठीक है, बिलावल भुट्टो। और चौथे नंबर पे अपने इमरान खान साहब। तो आपने आपने उनमें से एक को किसी को बुला रहा है और उनमें से कहना है कि किसी को कहना है कि मुझे ये गोई का दाबड़ा उठा के मेरे सर पे रखते हैं, ठीक है, सर पे रखते हैं ताकि आप वो लेके आ सकें। तो आप मदद के लिए किसको पुकारेंगी, ठीक है, इन चारों में से, ठीक है, फवाद चौधरी को, राणा सनावला को, बिलावल भुट्टो को, या अपने खान साहब को, ठीक है, बताएं आप किसको बुलाएंगे। देखो ताबिश, सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्लियर करती चलूं कि मैं गोबर वाली रोटी नहीं खाती और मैं गोबर नहीं उठाती, लेकिन फिर भी अ पार्ट ऑफ गेम, गेम का हिस्सा मैं आपको बताती चलूं कि मैं ऑफकोर्स, आपको भी पता है, देखें बेशक वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन आपको भी पता है, अवाम को भी पता है कि मैं मदद के लिए किसको बुलाऊंगी, अपने खान साहब को ही बुलाऊंगी ना, तो खान साहब ऑफकोर्स आएंगे मदद के लिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी जी, तो खबर देने दौरान अभी जो है ना शो का टाइम ख़त्म हो गया, तो अभी आपके पास जो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप मरीम नवाज से कर सकते हैं, या आप कोई मरीम के पापा को स्नेहा देना या पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप मरीम या मरीम के पापा को? चोर। खमोश खमोश खमोश, मरीम के पापा चोर है। काजी मैं नहीं खेल रही, मैं रुक नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ अभी, उठ के ना, और मैं तुम्हारा शो बंद करवा दूंगी। ये तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे इधर बुला के लाए थे, ये अवाम जो है इनको तुम लोगों को मत देखो, हमारी हुकूमत आने दो, तुम लोगों को तो हुकूमत तो हमारी है, तू नहीं जा रहे हो ना अभी, तुम्हें तो अभी जब मैं कुर्सी पे बैठूंगी तुम लोगों को तून के रख दूंगी। आई एम सॉरी बाबू। तो कसम मैं जा रही हूँ ताबिश, मुझे एक तो तुम्हारा नाम भी नहीं याद रहा ताबिश, कसम मुझे बेइज्जती के लिए बुला के लाए कह दे, मैं नहीं मैडम।